डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने अल्कोहल से रिलेटेड आईयूपीएसी नाम पढ़ा था कि अल्कोहल से संबंधित किसी भी आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, और हम लोग एक विधि का नाम भी पढ़ा था उसके पहले, विक्टर मेयर विधि, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में चेक करने का एक विधि था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिनोल के बारे में पढ़ना, फिनोल। अब ये फिनोल क्या होता है, जरा इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग अल्कोहल के बारे में तो कुछ पढ़े, अब हम लोग आइए पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज फिनोल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये फिनोल क्या है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे एक एरो दिया जाए, लिखेंगे वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह ब्रैकेट में ओएच बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो। रिंग इंग्लिश वर्ड ही है, इसको इंग्लिश में लिखेगा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसे फिनोल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि फिनोल किसे कहते हैं। तो फिनोल का एक ही डिफिनेशन है कि ओएच समूह तो रहेगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहां होता है, हम लोग जैसा कि पढ़े कि अल्कोहल का पहचान क्या होता है, ओएच। अब हम कहां बोलेंगे अल्कोहल और कहां बोलेंगे फिनोल, है ना। तो फिनोल का भी पहचान होता है ओएच को देखकर ही पहचाना जाता है, और अल्कोहल भी पहचान जो होता है ओएच को देखकर ही पता किया जाता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कहां अल्कोहल है कहां पे फिनोल है, सिंपल वे में बात दोस्तों, अगर कोई बेंजीन रिंग रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग इसको बोलते हैं, अगर कोई बेंजीन रिंग रहेगा, इस बेंजीन रिंग के साथ कहीं भी अगर ओएच जुड़ा रहेगा, इट मींस अगर यहां ओएच जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे फिनोल। ये क्या है, ये फिनोल है। ठीक है, अगर मान लिया कि एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इस बार हम लोग यहां पे ओएच समूह जोड़ दिया, ओएच को हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ओएच को कौन सा समूह बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। तो अगर बेंजीन रिंग को के साथ कहीं भी अगर ओएच समूह जुड़ा रहे, यहां पे ओएच समूह, यहां पे कहीं भी अगर ओएच समूह जुड़ा रहेगा बेंजीन रिंग के साथ, हम उसको फिनोल बोलेंगे। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसा है, ओएच समूह का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह, ओएच समूह का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह। लेकिन दोस्तों कार्बन चेन के साथ अगर कहीं भी ओएच समूह जुड़ता है, हम उसको बोल देते हैं अल्कोहल। लेकिन अगर वही ओएच समूह हम लोगों को एक बेंजीन रिंग के साथ मिलेगा, हम उसको फिनोल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको हम फिनोल नाम दे देंगे, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ ओएच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, फिनोल तभी कहेंगे जब बेंजीन रिंग के साथ हम लोगों को ओएच समूह जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, अल्कोहल कब बोलेंगे, तो अल्कोहल हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोगों को किसी भी कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन चैन के साथ अगर ओएच समूह जुड़ा रहेगा, हम उसको बोल देंगे वो अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिनोल का एग्जांपल, आप एग्जांपल उसके नीचे लिख लीजिए।
फिनॉल का। अब फिर से आगे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे फिनॉल के प्रकार कि फिनॉल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिनॉल के प्रकार उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए फिनॉल के चार प्रकार हैं। फिनॉल के चार प्रकार हैं, फिनॉल के चार प्रकार हैं। पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा में लिखेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। तीसरा में लिखेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, और चौथा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल के भी चार प्रकार होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरीके से यहाँ पे भी फिनॉल में भी चार टाइप्स होते हैं, पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, अब ये जो चार टाइप्स की होती है फिनॉल, अब हम लोग जैसे कि वहां पे पढ़े थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कब होता है, जब कार्बन चैन से, कार्बनिक यौगिक से एक OH समूह रहता है। उसी तरीके से दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फेनॉल के कितने प्रकार होते हैं। तो फेनॉल के चार प्रकार होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पोलोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। जब बेंजीन रिंग से OH समूह की संख्या एक होगा हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फेनॉल। अगर OH समूह की संख्या दो रहेगा बेंजीन रिंग में हम बोलेंगे इसको डाइहाइड्रिक फेनॉल। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी बेंजीन रिंग में अगर OH समूह की संख्या अगर तीन होगा हम लोग बोलेंगे उसको ट्राइहाइड्रिक फेनॉल, अगर तीन से ज्यादा होगा हम दे देंगे पॉलीहाइड्रिक फेनॉल। तो चलिए अब हम लोग इसका छोटा छोटा डेफिनेशन है अब लिखा जाए, टॉपिक्स में छोटा टॉपिक्स बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल लिखेंगे। जब बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। फिर छोटा टॉपिक लिखेंगे, अब लिखेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। लिखा जाए इसमें जब बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या दो हो तो उन्हें डाइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। अब लिखा जाए टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में जब बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल समूह बार-बार बोल रहे हैं, मतलब OH समूह ना, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या
तीन हो तो, थ्री, तीन हो तो उसे ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहा जाता है, ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहा जाता है। फिर लिखेंगे ऐसे लास्ट ये है पॉलीहाइड्रिक फिनोल, पॉलीहाइड्रिक फिनोल लिखा जाए जब बेंजीन रिंग से, जब बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले, जुड़ने वाले हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या तीन से अधिक हो तो, तीन से अधिक हो तो उन्हें, उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल सॉरी फिनोल, फिनोल पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात पक्का है फिनोल नाम कैसे आया, तो बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ा रहता है, तो जब बेंजीन रिंग से जब OH समूह जुड़ा हुआ रहता है हम लोग उसका नाम क्या देते हैं, हम लोग उसका नाम फेनोल देते हैं। और फेनोल का चार प्रकार है, मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ड्राईहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे लिखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में, निम्नलिखित यौगिकों में मोनोहाइड्रिक कॉमा, क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित यौगिकों में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक कॉमा ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक फिनोल की पहचान करें, पॉलीहाइड्रिक फिनोल की पहचान करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक का पहचान करना है तो क्या क्या हम लोग करेंगे। तो पहला पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से यहां पे एक OH जुड़ा हुआ है, एक OH यहां पे जुड़ा हुआ है, हम इसको कौन सा हाइड्रिक बोलेंगे, हम क्या बोले कि जब बेंजीन रिंग से OH समूह दो ठो जुड़ा रहेगा तब हम इसका नाम देंगे डाइहाइड्रिक फिनोल, इसके इसके नीचे लिख देंगे डाई हाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर हम लोगों को कुछ ऐसा बन गया सवाल, कैसा सवाल, तो ये मेरा ये रहा बेंजीन रिंग, यहां पे OH जुड़ा हुआ है, 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 सॉरी यहीं तक OH है बस, तब इसका नाम कौन सा कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी का फिनोल हुआ, आप देख पा रहे होंगे ये टोटली बेंजीन रिंग है, इतना को बेंजीन बोलते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो OH समूह है उसकी संख्या कितनी है, तीन, तो जब इसकी संख्या तीन होती है तब हम इसका नाम दे देते हैं क्या, ट्राइहाइड्रिक फिनोल, तो दूसरा हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। वैसे ही और भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप इनका नाम जरूर लिखिएगा कि किस कैटेगरी के ये फिनोल है, ये फिनोल के किस कैटेगरी में आते हैं, तो दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे, वैसे ही हम लोग और भी क्वेश्चंस देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, यहां OH है, OH, OH, ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, OH, पांचवा,
ये बेंजीन है और इस बेंजीन रिंग से यहाँ पे OH जुड़ रहा है, यहाँ पे OH जुड़ रहा है, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये जुड़ रहा है, ठीक है। और छठा क्वेश्चन, सातवां, छठा ये सातवां है ना, ये आठवां क्वेश्चन, यहाँ भी OH है, देख पा रहे होंगे। ये टोटल क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके सामने, आपको क्या करना है, इनका टाइप्स बताना है कि ये किस कैटेगरीज के फिनॉल है, ठीक है, ये किस कैटेगरीज के फिनॉल है, इनका आप जरूर से जरूर आप कैटेगरीज में बांटिएगा कि ये किस किस तरह का फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है या फिर पॉलीहाइड्रिक है, उनके साथ उनके नीचे वो किस तरीके का फिनॉल है उनका नाम लिख दीजिएगा कि वो किस कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, किस कैटेगरीज में आते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, अब टॉपिक्स लेते हैं कि फिनोल का हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो टॉपिक लिखेंगे फिनॉल के IUPAC नाम, फिनॉल के IUPAC नाम, फिनोल का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब फिनोल के IUPAC नाम लिखने का भी कुछ हमें रूल नियम से, फिनोल का IUPAC नाम लिखते वक्त हम लोगों को कुछ रूल्स नियम को फॉलो करना होता है, जैसे कि अल्कोहल का सीखे, अल्केन का, अल्किन का, अल्काइन का, वैसे ही दोस्तों हम लोगों को फिनोल का IUPAC नाम लिखना चाहिए। तो चलिए इसके नीचे फर्स्ट आरो देंगे, लिखा जाए बेंजीन रिंग में OH समूह, बेंजीन रिंग में OH समूह जहां रहेगा वहां से नंबरिंग शुरू करना है, वहां से नंबरिंग, नंबरिंग जो है इंग्लिश वर्ड है, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, वहां से नंबरिंग शुरू करना होगा। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में, इसमें सफिक्स के रूप में, इसमें सफिक्स के रूप में फिनोल जोड़ा जाता है, सफिक्स के रूप में फिनोल जोड़ा जाता है, फिनोल जोड़ा जाता है, इसमें सफिक्स के रूप में फिनोल जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर ऐसे सवालों में हम लोग कैसे काम करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहला बात कि इसमें फिनॉल का जो IUPAC नाम होता है इसको लिखने में कोई हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू करना होता है फिनॉल वाले में, जहां OH समूह रहता है ना भाई, वहीं से हम लोग उसका नाम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखिए, फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए निम्नलिखित फिनॉल का IUPAC नाम लिखें, निम्नलिखित फिनॉल का IUPAC नाम लिखें। पहला क्वेश्चन, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से यहां पे OH जुड़ा हुआ है, यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा इस तरीके से है, यहां पे हम लोगों का एक बेंजीन रिंग है
और उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तीसरा कुछ इस तरीके का सवाल है, OH ठीक है, यहाँ OH है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं चौथे नंबर पे। अगर हम लोगों का सवाल कुछ इस तरीके से बने, जैसे मान लिया बेंजीन रिंग है, यहां पे आपका OH है, यहां पर BR है, यहां पर CL है, पांचवा ये हो गया। फिर हम लोग आते हैं ये बेंजीन रिंग है, यहां पे OH है, CH3 है, C2H5 है, ठीक है। चलिए अब आपको तो पता चल रहा है ये सब सारा क्या है, फिनॉल है। सब सारा क्या है, फिनॉल। सब जो सारा फिनॉल दिया हुआ है, जितने भी चीजें हैं ये फिनॉल दी गई हैं। इन फिनॉल का हम लोग IUPAC नाम लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला जो काम करना है कि जो हम लोग नंबरिंग करना है, वो हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? OH समूह से। तो OH समूह इस नंबर पे, OH समूह कहां है? OH समूह इस वाले कार्बन पे है, ये वाला कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है। अब इस OH वाले से आप देखिए कि किधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये तो पक्का बात है कि यहां से 1 से शुरू होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर भी तो ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिधर से सब्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से ये स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 है, इसका नंबरिंग 2, 3, 4, 5, 6। हम 1, 2 इधर से क्यों किए? क्योंकि ये जो सब्टिट्यूएंट है ये इधर से दूसरे नंबर पे नजदीक पड़ रहा था, आप इधर से करते तो 6 पे आ जाता, इसलिए नजदीक जिधर से पड़ेगा उधर से ये स्टार्ट करेंगे। ये तो पक्का बात है कि 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन किधर से चलना है? तो जिधर से सब्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 पे क्या है? तो CH3 का नाम होता है मेथिल, तो 2-methyl, और पूरा का नाम हम लोग अंत में पढ़े कि फिनॉल जोड़ देना है, तो 2-methylphenol हो गया, ठीक है, 2-methylphenol। फिर अगर बात किया जाए तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो ये तो पक्की बात है भाई कि हम लोग जो नंबरिंग करेंगे यहीं से करेंगे, 1 से। अब इधर से करें कि इधर से करें, दो दो रास्ता है। तो 1, 2, 3, 4, इधर से 4 पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, इधर से भी 4 पे आ रहा है, तो आप किधर से भी कर लो, हम इधर से कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो इस केस में 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो 4 हो गया मेथिल और पूरा का नाम फिनॉल, तो 4-methylphenol इसका नाम हो गया। फिर अगर जोड़े तो इस पे हम लोग कैसे नाम करेंगे? तो हमेशा जो नंबरिंग करते हैं वो OH से करते हैं। अब OH से करेंगे तो नंबर 1, अब इधर से चलेंगे कि इधर से चलेंगे? तो ये रास्ता आसान है क्योंकि इधर से हम लोगों का CH3 मिल रहा है, तो इसका 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो नाम हो गया क्या हो गया? 2-methylphenol, 2-methylphenol। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसका भी नाम 2-methylphenol ही है, इसका भी नाम 2-methylphenol ही है, तो दोनों में अंतर? तो कोई अंतर नहीं हुआ फिर, क्योंकि आप CH3 को यहां जोड़ो या फिर यहां जोड़ो, बात दोनों क्या है? सेम है, दिख रहा है ना, 2-methylphenol, दोनों का ही एक ही नाम कहा जाएगा, अलग नाम से नहीं पुकारा जाएगा। फिर आगे आते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग क्या सीखे? हम लोग तो सीखे अभी यही ना कि ऐसे सवालों में OH से हमेशा नंबरिंग शुरू करते हैं। तो OH तो एकदम पक्की बात है कि यहां पे हम लोगों को 1 से शुरू करना है। अब 1, 2 इधर से चले हैं कि 1, 2, 3 इधर से चले हैं? तो ये जो सब्टिट्यूएंट मिल रहा है 2, 3 पे जल्दी मिल रहा है, लेकिन इधर से करे तो 1, 2, 3, 4 पे मिल रहा है, तो इधर से करना आसान है, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स। अब इसका नाम कैसे होगा, तो थ्री पे बन रहा है क्या, थ्री सीएल का नाम होता है क्लोरो, तो ये बन जाएगा थ्री क्लोरो। फोर पे क्या है, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, फोर ब्रोमो, ठीक है। और कितना और पूरा का नाम अंत में क्या जोड़ना है, सबका नाम लिखने के बाद फिनॉल लिख देना है, तो इतना फिनॉल, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे होंगे इस सवाल में, तो इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, पक्की बात हम लोग नंबरिंग जो शुरू करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे, तो वन से, यहां से। अब इससे किधर से चलना आसान है, ऊपर से वन टू थ्री फोर फाइव पे आ रहा है, और इधर से कर रहे तो टू पे ही आ रहा है, तो इधर से करना आसान है ना, तो वन इसको किया टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब टू पे क्या जुड़ रहा है, सी एच थ्री, तो सी एच थ्री का नाम क्या होता है, मेथिल, तो इसका नाम हो गया टू मेथिल, टू पे मेथिल। फिर थ्री पर क्या, तो थ्री पर एथिल, याद है ना सी टू एच फाइव का नाम एथिल होता है, ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे एथिल। फिर फिनॉल, तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे ही हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग आपको देते हैं बनाने के लिए कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए भी देते हैं, पांच क्वेश्चंस अभी हम आपको बनाकर दिखा दिए हैं, वैसे ही छठे सातवें आठवें नवें दसवें क्वेश्चन तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, छठे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बेंजीन रिंग है, आयोडीन है, OH है, ब्रोमीन है, यहां पे CH3 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे हमें एक बेंजीन रिंग है, इसमें इस बार यहां पे OH जुड़ा हुआ है, यहां पे आपको C2H5 है, यहां पे क्लोरीन है, और यहां पे ब्रोमीन है, ठीक है। फिर आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, बेंजीन रिंग तो रहेगा ही रहेगा, ये तो पक्की बात है, इस बार यहां पे OH है, यहां पे ET है जिसको अनस्टेटाइनो कहते हैं, यहां पे हमारा CH3 है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहां OH है, यहां C2H5 है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है। चलिए ठीक है, इतना ही पे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेन का, तो ये रहा हम लोगों का बेंजीन रिंग, इसमें इस बार जुड़ा हुआ है OH यहां पे, और यहां से जुड़ा है C2H5, यहां क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे जुड़ा है आपको आयोडीन, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चंस, जो पांच क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर आईओपीएससी नाम लिखकर दिखाइएगा, ये सभी सारे किससे रिलेटेड हैं, तो फिनॉल का आईओपीएससी है, ठीक है, यानी कि फिनॉल से रिलेटेड आईओपीएससी नाम है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आईओपीएससी नाम लिखकर आप जरूर से जरूर भेजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियोस में, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।